हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल माय फैमिली व्लॉग। मैं अंजू कौशिक, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज आप बहुत परेशान होंगे, इधर उधर पॉलीथीन्स को रखते 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 इधर उधर रखते रहते हैं इनको बांध बांध के, और समझ नहीं आता इनको कहाँ यूज़ करें कहाँ फेंकें। तो देखिए, आज मैं आपको पॉलीथीन्स का ऐसा यूज़ करना सिखाने जाने वाली हूँ कि शायद ही आपने कभी सोचा हो और देखा हो। तो देखिए, इसे हम कुछ नया क्रिएटिव बनाने जा रहे हैं। वो क्या बनाने जा रहे हैं, लेट्स सी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे साथ पास भी बहुत सारी पॉलीथीन्स इकट्ठी हो रही हैं, जिनमें ग्रॉसरी का सामान आता है घर में, और सब्जियां भी आती हैं, और किचन की मोस्ट प्रोबेबली सारी ही एसेसरीज इन्हीं प्लास्टिक पॉलीथीन्स में आती हैं। तो सबसे पहले मैं इन पॉलीथीन्स को छोटे छोटे पीसीज में कट कर लूँगी, जैसे मैंने पहले भी कट किया था एक बार कपड़ों को, ऐसे ही मैं इनको भी कट कर लूँगी। तो देखिए, मैंने बहुत छोटे छोटे पीसीज में इन पॉलीथीन्स को कट कर लिया है, और अब मैंने एक थोड़े से बड़े साइज़ में एक पॉलीथीन ले लिया है फ्रेंड्स, और इसमें इन सारे पीसीज को फिल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, ये इतना अच्छा ट्रिक है कि आप इससे कोई भी शेप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको स्माइली बनाना सिखाऊंगी, कि जिसे आप कहीं भी एक छोटी टेबल पर, छोटी सेल्फ पर, अपने सोफे पर, अपने सोफ़ा कम बेड पर, अपने बेड पर, कहीं भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें भी तो इसे अपने सोते समय अपने सिर के नीचे भी एज ए पिलो, एज ए कुशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास एक पीला कपड़ा था। कपड़ा क्या, ये मेरे पास एक सलवार थी जो बहुत पुरानी हो गई थी, लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा था, बिल्कुल येलो स्माइली वाला कलर था इसका। तो मैंने उसको कट कर लिया, और इसको बड़ी प्लेट ली और इस पर इस तरह से सर्किल बना लिया। तो देखिए, मैं इसको सर्कुलर इसको कट कर लिया है। तो अब मैं इसके चारों तरफ मशीन से सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से इसके चारों तरफ आप सिलाई लगा दें। तो देखिए, चारों तरफ सिलाई लगा दी है, और इस तरह से नॉच बना दिए हैं, जिससे कि आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। अब इसको इसके अंदर इसको उल्टा ही रहने दें, और इस तरह से इस पॉलीथीन को जो मैंने जिसके अंदर छोटे छोटे पीसेस बांध दिए हैं, उसको इसके अंदर इस तरह से कवर कर दें। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको खुला छोड़ा था स्टिचिंग करते समय, सिलाई करते समय सर्कुलर। तो अब मैं जहाँ से मैंने इस पॉलीथीन को घुसाया था, अब मैं इसको छोटा छोटा इस तरह से, जिससे धागा बिल्कुल भी ना दिखे अंदर से, मैं आपको सिलाई बताऊंगी हैंड सिलाई कैसे करते हैं, जिससे धागा बिल्कुल नहीं दिखता है। तो इस तरह से मैंने इसमें स्टिच करके इस मुंह को भी बंद कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर, बिल्कुल गोल ओवल्स, बहुत ही फ्लफी, बहुत ही प्यारा कुशन। और ये छोटा मैंने ये भी बना लिया था। तो इस तरह से दो कुशन मैंने एक छोटा एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ में बना लिया। ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं, ये बहुत फ्लफी दिख रहे हैं। ये हैं मेरे पास फैब्रिक कलर्स। अब इनसे मैं बनाने जा रही हूँ इन पर स्माइली, क्योंकि येलो कलर स्माइली फेसेस का बहुत ही बड़ा एक कनेक्शन है, बहुत ही बड़ा एक रिलेशन है इनके, बहुत ही म्यूचुअल क्या कह सकते हो कि रिलेशनशिप है, कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दिखते हैं। स्टार्टिंग से इनको लोग यूज़ करते हैं स्माइली के लिए भी, और अगर घर में कुशन के रूप में स्माइली कुशन सोफे पर, बेड पर, कहीं भी रखे होते हैं, तो उनको देखकर ही एक अलग से मतलब कि स्माइल अपने आप से फेस पर आ भी जाती है। तो यार, इनका इतना ब्राइट कलर होता है येलो का, कि अपने आप से आँखों के सामने ये कलर आ ही जाता है। तो देखिए, मैं स्माइली बना रही हूँ, इसमें रेड कलर से स्माइली दे रही हूँ इस वाले जो बड़ा वाला कुशन है। और अब मैं इसकी नोज़ी बनाऊँगी, रेड नोज़ी ही मैं बनाने वाली हूँ, ट्रायंगुलर नोज़ी। देखो, स्माइली के कई तरह के फेसेस होते हैं, स्माइल जो येलो फेसेस होते हैं, स्माइली होता है, क्राइंग होता है, कोई कुछ बहुत सारे फेसेस होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ, क्योंकि मेरे पास दो ही पिलो हैं एंड आई बिलीव इन स्माइल, तो मैं बिल्कुल दोनों ही स्माइल भी बनाऊंगी, और आई और एक लवली स्माइल बनाऊंगी, एक नॉर्मल स्माइल बनाऊंगी, बिकॉज स्माइल एंड लव बोथ आर द वेपन्स ऑफ ब्यूटीफुल लाइफ। तो दैट्स व्हाई दोनों स्माइल, ये हार्ट की स्माइल मैंने दी है,
जिसमें मैंने आई जो बनाई है वो हार्ट की बनाई है। तो ये भी बहुत प्यारा छोटा सा कुशन लग रहा है, जिससे मेरी डेजी और मेरा बेटा बहुत अच्छे से खेलने वाले हैं, और उसको तो ये बहुत प्यारे लगने वाले हैं। देखिए, तो ये मैंने इसकी भी क्यूट सी एक स्माइल बना दी है। फैब्रिक कलर्स मैंने आपको पहले भी एक कपड़े में सूट को बना के दिखाए थे, मेरी इसमें वीडियो डली हुई है, उस देख सकते हैं आप उसको भी। तो फैब्रिक कलर जाते नहीं है वॉश करने पर, बिल्कुल ही कपड़े के साथ अच्छी पकड़ बना लेते हैं, वॉश करने पर भी ये जाते नहीं है। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको इनको वॉश करना है तो आप इनको निकालिए, जो साइड में आपने हैंड सिलाई की है वहाँ से निकालिए पॉलीथीन को, इनको वॉश कीजिए और दोबारा से इनको अपने उसी तरह से पॉलीथीन में डाल दीजिए। कोई भी नहीं कह सकता है कि ये पिल्लो जो आपने डेकोरेट कर रखे हैं अपने सोफ़े पर, अपने सोफ़ा का बेड पर और अपने बेड पर, जहाँ भी किसी सेल्फ पर, तो कोई नहीं कह सकता कि ये पॉलीथीन पिल्लो हैं। और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई विश कि आपको भी ये अच्छे लगें, और जैसे भी आपको लगें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ये मेरा सोफ़ा कम बेड है, तो मैंने इस पर इन्हें डेकोरेट कर दिया है। तो देखिए ये कितने क्यूट लग रहे हैं। और ये मैं नए कुशंस लिए थे अभी, तो इनके कवर्स मैं आपको डिज़ाइनर कवर बिल्कुल सिखाऊंगी अभी एक दो वीडियोस के बाद। तो देखिए बहुत ही सुंदर मेरे सोफ़ा कम बेड पर दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं ये। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और सपोर्ट करते रहिए मुझे, और थैंक यू। देखिए मेरी बेटी भी यहाँ पे खेल रही है, इसको भी बहुत प्यारे लगे हैं ये, और इसको तो पक्का इन्हीं से ही खेलना होगा, अब हमेशा इनको लेके रखेगी। तो इसको बहुत प्यारे लगे हैं, क्योंकि बच्चों को स्माइली वगैरह वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखिए ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। Thanks and have a great day.